गूगल गर्ल। जी हां, हम बाप को एक ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहे हैं जिसे लोग गूगल गर्ल के नाम से बुलाते हैं। जौनपुर के रहने वाली 3 साल के वैष्णवी की नॉलेज 30 साल के व्यक्ति की मेमोरी को भी मात देने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में टेडी बियर से खेल रही ये है गूगल गर्ल, 3 साल की वैष्णवी। इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। गूगल गर्ल के नाम से मशहूर हो रही वैष्णवी श्रीवास्तव को कुदरत ने गजब का दिमाग दिया है। वैष्णवी भले ही जीवन की पहली पाठशाला में अपना पहला कदम रखने जा रही हो, लेकिन उसकी जनरल नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को मात देने के लिए काफी है। गूगल बेटी की ये कहानी जौनपुर नगर के हुसैनाबाद मोहल्ले की है। वैष्णवी के पिता अनुराग श्रीवास्तव दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता है। वैष्णवी ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी बात सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वह अपने आसपास रहने वाले बच्चों और उनके मम्मी पापा का पूरा नाम जान गई थी। वैष्णवी तो शुरू से ही हर चीज एकदम अलग थी और वो एकदम अलग है भी सब बच्चों से। यहाँ पे कोशिश करेंगे इनको कि जहाँ तक ही आगे जा सके इनको ले जाएं और अच्छे से अच्छा इनको आगे निकालें। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक का नाम उसकी जुबान पर रहता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं और किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, ये उसे बखूबी पता है। जरा आप भी सुन लीजिए गूगल गर्ल का टैलेंट। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय परिवहन एवं राजधानी मंत्री नितिन गडकरी, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वंदे मातरम राष्ट्र गीत किसने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है अरविंद पटेल, और 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, बाकी नोटों पर किसका होता है अरविंद पटेल का। आमतौर पर 3 साल के बच्चे खेलने में मशगूल रहते हैं, लेकिन वैष्णवी के परिजन उसकी जिज्ञासा को देखते हुए उसे देश विदेश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ महापुरुषों के नाम याद करा रहे हैं। वैष्णवी के पिता अनुराग का कहना है कि जब भी वो अखबार पढ़ने बैठते हैं तो उनकी बेटी उनसे सवाल करने लगती थी और बेटी की जिज्ञासा देख कर वो उसे सिखाने लगे। शुरू से जब हम पेपर पढ़ते थे या कहीं जाते थे, ये देखती थी, पूछती थी, तो हम इसको बताते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको एक बार जो चीज़ बता दिया था वो उसको याद हो जाता है। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और समझ लीजिए कि अपनी खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते। बेटी के टैलेंट को देखकर वैष्णवी की माँ का सपना है कि उनकी बेटी बड़ी होकर उनका नाम रोशन करे। के न्यूज़ के लिए जौनपुर से अमित गुप्ता की रिपोर्ट।